कर दोस्तों, राधा मोहन के आने वाला एपिसोड आप लोगों के लिए घना ही दिलचस्प देखने को मिलने वाला है दोस्तों, जब आप लोग देख पाएंगे कि किस तरीका से आखिरकार इस समय मोहन की माँ ने मोहन को फ़ोन करके सब कुछ बता दिया है कि राधा अगर सेफ नहीं है तो वो सेफ इसीलिए नहीं है क्योंकि दामिनी ने उस पर अटैक किया है। और इस समय बात की जाए दामिनी की तो दामिनी का जेल जाना निश्चित है, और जेल जाने के पीछे की अगर बात की जाए तो उसका जेल जाना निश्चित यह है क्योंकि इधर गुनगुन ने बोल दिया है कि दामिनी अब तुम बच नहीं पाओगी, तुमने राधा के साथ में जो किया है उसे अब भी हमें बता दो, ये बता दो है कहाँ राधा। लेकिन दोस्तों वहाँ पर अब भगता हुआ नजर आने वाला है आखिरकार मोहन को शक हो चुका है कि आखिरकार दामिनी ने राधा को कहाँ छुपाया होगा क्योंकि आखिरकार उसका फ़ोन भी सब कुछ बंद जा रहे हैं और लगातार चिंता जाहिर होती हुई नज़र आ रही है। आप लोगों को बता देना चाहता हूँ कि कहानी एक नए दिलचस्प मोड पर अटकी है, किसी ने सोचा भी नहीं होगा कि दामिनी और दामिनी की माँ इस घर में ही खाती हैं और इस घर में ही इस तरीका का प्लान करती है क्योंकि लगातार जिस तरीका से मारने का प्लान किया है दामिनी ने राधा को, उसकी सजा तो इन दोनों को मिलकर रहेगी। साथ ही दोस्तों मोहन ने बोल दिया है कि दामिनी तुम्हारा गेम ओवर हो चुका है, मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था कि तुम कुछ इस तरीका से इतनी गिरी हुई निकलोगी, इतनी वाहियात निकलोगी, ये हमने कभी सपने में नहीं सोचा था। और दोस्तों एक रियलिटी ही है क्योंकि अभी तक सभी लोगों को अच्छा लग रहा था कि काफ़ी कुछ कर रही है दामिनी, ऑफिस में मेहनत करती हैं, लेकिन दामिनी इतनी ज़्यादा गिरेंगी ये किसी ने सपने में सोचा नहीं था क्योंकि अब आखिरकार सभी लोगों की स्थिति कन्फ्यूजन की बनी हुई है दोस्तों। साथ ही आप लोगों के सामने मैं रोहित नागर हाथ जोड़कर अनुरोध करूंगा गाइस, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करके आप लोग मेरे को जरूर बताइए गाइस कैसी लग रही है मेरी वीडियो। थैंक यू सो मच कि आपने मेरे को सपोर्ट किया, लव यू गाइस।